हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यार एक न्यू व्लॉग के साथ मैं अभी बगदाद में मौजूद हूँ, जो कि इराक का तख्त है। और अभी हम जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं बगदाद सिटी को। तो इंशाल्लाह आपको बगदाद सिटी जो है वो अच्छा लगेगा और खूबसूरत लगेगा। यहाँ के जो लोग हैं बहुत खूबसूरत हैं और अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत इज्जत दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो रेस्टोरेंट वगैरह मौजूद है, इस साइड भी आप देख सकते हैं। यार इराकी लोग जो मुझे लग रहे हैं फ्रेंडली लग रहे हैं, फ्रेंड टाइप के। और इंशाल्लाह वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं किस तरह के लोग हैं यहाँ पर। तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा वीडियो देखकर। अभी में हम जा रहे हैं मार्केट, तो मार्केट आप देखें ये लोग हैं, रास्ते लोग। रास्ता सिटी बगदाद है, वहाँ पर हम आए हुए हैं विजिटिंग के लिए। ये रास्ते लोग हैं, इसके बाद हम जाएंगे आगे। गली आ रही है वहाँ से, हम पैदल जा रहे हैं सिटी को विज़िट करने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये मेरी व्लॉग अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना। तो ये आप देख सकते हैं हमने रोड क्रॉस कर लिया, ये है बगदाद सिटी। बहुत बड़ा सिटी है और फेमस सिटी है इराक का। इस साइड में रेस्टोरेंट मौजूद हैं और भी चीज़ें हैं, शॉप्स हैं, हर चीज़ मौजूद है इस जगह पर। तो वो भी हम देखते हैं, कुछ ट्राई करके देखते हैं। खाने पीने की चीज़ें जो हैं, ये इराक जो है बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है हमें। तो ईरान इतना एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन इराक जो है वो एक्सपेंसिव लग रहा है। यहाँ से कुछ करेंगे और अरबी ला। तो ये मार्केट है, ये मोबाइल मार्केट है। तो ये मार्केट आप देख सकते हैं, ये वुमेंस चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये अभी हम आ गए हैं मार्केट में, से लोग रॉक के देख सकते हैं लोग। ये शॉपिंग मॉल है और इराक के लोग जो है वो ज़्यादातर अमीर लोग हैं, लेकिन इनके पास एक चीज़ मैनेजमेंट नहीं है, जो कि सफाई वगैरह की मुझे नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पर ये शूज़ और हेडफोन, ग्लासेस, मोबाइल और एवरीथिंग यहाँ पर मौजूद है यहाँ से। तो ये देख सकते हैं इन्होंने कपड़े वगैरह यहाँ पर ये सेल कर रहे हैं। और ये है बेकरी, यहाँ पर बेकरी है, ये देख सकते हैं बेकरीज चीज़ें यहाँ से जो लोग मतलब घर के लिए थी सलाम। और ये है घर के लिए चीज़ें वगैरह मौजूद पड़ी हुई हैं। तो ये है मार्केट जो है इराक की, पीछे रह गए तो उनका वेट करता हूँ मैं अभी। तो फ्रेंड्स अभी जो है हम मार्केट से क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर बर्गर, पिज़्ज़ा और ये इनके जो है पड़ी हुई हैं, मिठाइयाँ लोग। तो फ्रेंड्स अभी भी मैं मार्केट में मौजूद हूँ। मैंने आपको कहा है कि मैं मार्केट का टूर करवाऊँगा यहाँ आपको, और टूर लगवाएंगे मार्केट का। तो ये इराक की मार्केट है, यहाँ पर बहुत अच्छे से लोग भी हैं और ट्रीट भी अच्छे से कर रहे हैं, और फ्रेंडली भी हैं,
बहुत सारे लोग हैं, खूबसूरत लोग हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका कल्चरल लिबास बहुत डिफरेंट है ईरान से। मतलब कि ईरान में थोड़ा बहुत अच्छा लिबास होता है, लेकिन यहाँ पर जो वो कम है, बिल्कुल कम है। तो इस हिसाब से अच्छा तो है, लेकिन मॉडर्न, थोड़ा मॉडर्न टाइप का है। तो ये बच्चों को खिलाने पड़े हुए हैं। उसके बाद अभी हम जो रहे हैं थोड़ा आगे, और भी आपको मैं जो है मार्केट का टूर लगवा देता हूँ, जिससे आपको पता चले कि इराकी लोग कैसे हैं और यहाँ पर कैसे अपना गुजारा करते हैं और कैसे शॉपिंग करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं इराक में। तो इंशाल्लाह आपको जो है इराक अच्छा लगेगा। ये इराक की मार्केट है, इससे गोल्डन मार्केट, गोल्डन मार्केट। तो यहाँ पर ये सोन वगैरह, चांदी, हर चीज़ यही मौजूद होती है। और हम थोड़ा आगे जाके आपको दिखा देते हैं और भी गोल्डन की शॉप हैं और चीज़ें हैं। ये इनकी जो है रोड मार्केट है, ट्रैफिक यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत सारी ट्रैफिक है उस साइड में, रोड उस साइड में ट्रैफिक थोड़ी है। इस साइड पे शॉप्स वगैरह हैं, उस साइड पे भी शॉप्स वगैरह हैं, बीच में रोड बना हुआ है, जैसे लोग आके यहाँ पर ख़रीद कर सकते हैं हर चीज़। तो ज़्यादातर जो अरब लोग हैं वो अपना सोन, गोल्ड वगैरह ये चीज़ ख़रीदते हैं। तो ये शूज़ और अभी हमें मिला है मेडिकल स्टोर, ये मेडिकल स्टोर है। और ये लोग, इराक के लोग, कुछ गरीब भी हैं कुछ अमीर भी, लेकिन ज़्यादातर जो इतना मुझे लग रहा है इनकी गाड़ियाँ देख के, तो ज़्यादातर अमीरी लोग हैं, गरीब यहाँ पर बिल्कुल कम है। तो ये है यहाँ पर शॉप है, लेडीज शॉप देख सकते हैं, और इस साइड से मेडिकल स्टोर। उसके बाद क्रीम वगैरह का शॉप आ रहा है, तो ये शॉप है यहाँ पर क्रीम्स का। और यहाँ से ये जैसे आप देख सकते हैं, और बहुत सारी ट्रैफिक है। तो फ्रेंड्स, जो ज़्यादातर लोग आपको नज़र आते होंगे मॉडर्न टाइप के, इराक में जो चीज़ें हैं बहुत एक्सपेंसिव हैं। और मेरे फ्रेंड्स जो लेने गए थे वो रिंग्स वगैरह लेने गए थे, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है, तो इस हिसाब से जो है नहीं ले रहे। तो यहाँ पर ये इनके शॉर्ट्स वगैरह हैं, टी शर्ट वगैरह हर चीज़ मौजूद है इनके पास। और ये इराकी लोग देख सकते हैं, इराकी लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मेहमान नवाज बहुत हैं यार। हमें 3 दिन खाना फ्री में मिला है यहाँ पर, और रहाइश फ्री में मिली है, क्योंकि हम अरबेन पे आए थे। उसके बाद हम अभी आए हैं बगदाद, बगदाद का बहुत बड़ा शहर, कैपिटल शहर है इराक का। तो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत सिटी है, जो इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा, और लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। तो इंशाल्लाह और भी मैं आपके साथ कंट्रीज जो हैं वो शेयर करता रहूँगा। और इंशाल्लाह आपके साथ के साथ हम और कंट्रीज़ भी जाएंगे, और आपको मैं और कंट्रीज़ भी विज़िट करवाऊँगा। तो ये इराक की है, मुदस्सिर भाई मेरे पीछे आ रहा है, आपको नज़र आता होगा, या देखते हैं, देख रहे हैं। तो उसके बाद आगे जाके ये मार्केट इसी तरह से बनी हुई है, लेकिन यार बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत बहुत अच्छी, हर चीज़ यहाँ से आप इजीली मिल जाएगी आपको। अगर आप कभी आएँ तो ज़रूर बगदाद को ट्राई करें विजिटिंग के लिए, बहुत अच्छी प्लेस है।
और इराकी लोग जो हैं वो बहुत अच्छे लोग भी हैं, मेहमान नवाज तो हैं ही है और फ्रेंडली भी हैं। तो इनका जो है मतलब के मज़हब यहाँ पर ज़्यादातर 40-60% जो है वो शिया है तकरीबन, और 40% लोग सुन्नी और नॉन मुस्लिम वगैरह भी हैं जो मुसलमान हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ तक ये थी मार्केट जो मैंने आपको दिखा दी, तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे नई न्यू आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।